हेलो दोस्तों, यस पथला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हेमाटोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे, जो एमसीक्यू नंबर है 18 है, 18वां एमसीक्यू वीडियो नंबर है दोस्तों। अगर इसके पिछले वाला अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके आप ज़रूर देखें। और हम हेमाटोलॉजी जो एमसीक्यू देखेंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें है, और ये आप लास्ट तक देखना। और आपको इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कितने एमसीक्यू आपको पहले से कितना पता था। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉट इज़ द नंबर ऑफ सेल इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। दोस्तों जो वॉल्यूम हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड के टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर पे कितने हमारे सेल्स होते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में लिखा हुआ है ऑप्शन। तो हमारा जो टोटल हमारा ब्लड है, ब्लड में कितने हमारे सेल्स जो होते हैं, ये हमारा होता है ब्लड में कौन सा, एक सेलुलर पार्ट होता है, एक प्लाज्मा पार्ट होता है। तो कितना सेलुलर पार्ट होता है वो कितना परसेंटेज बताना है। तो ऑप्शन में है 45%, 50%, 55%, 60%। दोस्तों जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें जो हमारे सेल्स का परसेंटेज होता है वो 45% होता है, और जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो 55% होता है। दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर पार्ट में हमारा 45% हो गया, प्लाज्मा पार्ट करना होता है 55%। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन जाता है 45%, क्योंकि सेल्स पूछा था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू बॉडी वेट। दोस्तों जैसे बॉडी ह्यूमन वेट है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का वेट के कितना होता है ब्लड बॉडी के अंदर, ह्यूमन के वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना परसेंटेज में होता है, तो 7% होता है। अगर ह्यूमन का जितना वेट होगा उसका 7% जो होगा आपके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड होगा। ये हमारा हो गया क्या दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कितना परसेंट में कितने अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें ऑप्शन में है 80 से लेकर 82%, 85 से 87%, 90 से लेकर 92%, 95 से लेकर 97%। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों 90 से लेकर 92% जो होता है प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा आफ्टर वाटर इज। अगर दोस्तों जल के पश्चात प्लाज्मा का सबसे बड़ा घटक कौन है, जैसे प्लाज्मा में हमारा होता है क्या, सबसे बड़ा जल होता है, वाटर होता है, वाटर के बाद उसमें से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें ऑप्शन में है न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, इनऑर्गेनिक साल्ट, प्लाज्मा प्रोटीन। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अगर हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से अगर हम वाटर निकाल देंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें अमाउंट में क्या हमारा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है वाटर निकालने के बाद। तो राइट आंसर हमारा ये होगा प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द मेन प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा इज। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कौन सा मेन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है। इसमें ऑप्शन में है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों कि द मेन प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में मेन प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा हो गया राइट आंसर एल्बुमिन। दोस्तों हमारा एल्बुमिन मेन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि द मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द ब्लड सेल्स इज। दोस्तों जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो हमारे ब्लड जहाँ से बनते हैं ब्लड सेल्स, मेन सोर्स जो हमारा है वो कहाँ का है। तो इसमें ऑप्शन में है स्प्लीन, लिम्फैटिक टिश्यू, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। जैसा दोस्तों आप लोगों ने जानते होंगे कि रेड बोन मैरो जो होता है हमारा, वो ब्लड हमारा फॉर्मेशन करता है। मेन साइट हमारा क्या है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ ब्लड सेल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स कॉल्ड। दोस्तों जो ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता है, जो बनाता है, जो निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में है ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस, या हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन हमारा जो ब्लड सेल्स का होता है, अगर पूरा ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा हीमोपोइसिस हो जाएगा। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, आरबीसी का निर्माण की बात होगी, तो वहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा।
अगर प्लेटलेट्स की बात हो रही है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेटलेट्स का निर्माण हो रहा है, तो उसमें हमारा थ्रोम्बोपोसिस हो जाएगा और हमारा क्या हो गया, ल्यूकोपोसिस तब हो जाएगा जब WBC का फॉर्मेशन होगा और WBC का निर्माण होगा। इसलिए इसमें पूछा है कि ब्लड सेल का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हीमोपोसिस। हीमोपोसिस से ही हमारे ये अलग अलग सेगमेंट बटे हुए हैं। अगर RBC का फॉर्मेशन होगा तो एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स होगा थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोपोसिस WBC का तो ल्यूकोपोसिस। तो इसमें से राइट आंसर ब्लड सेल्स के से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, हीमोपोइसिस हो गया, जो कि हमारे ब्लड का सेल्स फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है कहाँ से, हीमोपोइसिस से। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये पूछा है द मोस्ट एविडेंट सेल्स इन द ब्लड आर, इसमें से कौन से ब्लड सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें से मोस्ट एविडेंट सेल्स इन द ब्लड आर, ब्लड में कौन से सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है प्लेटलेट्स, स्टेम सेल्स, RBC सेल्स, WBC सेल्स। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है वो RBC सेल्स पाया जाता है। अगर ब्लड है, ब्लड में सबसे ज़्यादा अगर सेल्स प्रेजेंट होता है तो कौन सा, रेड ब्लड सेल्स RBCs प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है What is the contribution of RBC to the total number of blood cells? अगर हमारा ब्लड सेल्स है दोस्तों, ब्लड हमारा है, ब्लड में कितना अमाउंट में हमारे जो होते हैं RBC प्रेजेंट होते हैं उसको परसेंटेज में बताना है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में, कितने परसेंट में RBC प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑप्शन में है 69%, 79%, 89%, 99%। अगर हम दोस्तों ब्लड है, ब्लड में हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गया, तो RBC कितना अमाउंट में, कितना परसेंट में प्रेजेंट होता है, तो 99% हमारा क्या होता है, RBC होता है। कभी आप देखो दोस्तों उसमें RBC ज़्यादा हमें देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, या हमारे जो ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन कारण, हीमोग्लोबिन हमारे कारण क्या है, वो RBC बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा क्या रेड होता है उसमें, इसलिए हमारे 99% प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड सेल में RBC सेल्स। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यह है कि द शेप ऑफ RBC इज, RBC का जो शेप होता है, आकार होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन में है यूनिक कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, इसके बाद है यूनिक कन्वेक्स और बाई कनकेव। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा जो RBC का शेप होता है वो बाई कनकेव होता है, तो इसे राइट आंसर हमारा होगा बाई कनकेव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में यह है कि ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन आर। दोस्तों जो हमारा ब्लड है, ब्लड सेल्स में, ब्लड में कौन सा ब्लड सेल्स है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें ऑप्शन में है थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, इथ्रोपोइसिस, प्लाज्मा। तो राइट आंसर हमारा है इथ्रोपोइसिस। इथ्रोपोइसिस जो हमारा RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो राइट आंसर हमारा इथ्रोसाइट। इथ्रोसाइट में होता है RBC, थ्रोम्बोसाइट में होता है प्लेटलेट्स, ल्यूकोपोइसिस में होता है WBC। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ RBCs इन मेल। जो मेल होते हैं, जो पुरुषों में RBC की संख्या कितनी होती है, नॉर्मल रेंज में मान लो या संख्या कितनी मान लो। ऑप्शन में हो गया 3.8, 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक में मिलीमीटर पर। इसमें ऑप्शन में हो गया, ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें राइट आंसर हमारा जो हो गया 4.5 से लेकर 6.5 मिलियंस पर mm³ हमारे इतना क्या होते हैं, RBCs होते हैं मेल में। कहीं कहीं दोस्तों आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल हमारे जो वैल्यू होता है इतना होता है RBCs का, RBC काउंट का। और हम अगर फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में 4.4 से लेकर के 5.5 या 5.5 तक आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल रेंज RBC का, RBC काउंट का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है कि द वॉल्यूम ऑफ RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारे RBC का वॉल्यूम है वो उसे हम और किस नाम से जानते हैं, जिसका क्यूबिक पर एमएम हमारा RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, तो इसको हम जानते हैं पैक सेल वॉल्यूम। तो राइट आंसर हमारा क्या, पैक सेल वॉल्यूम। जो पैक सेल वॉल्यूम होता है वही हमारा RBCs के जो वॉल्यूम हम डिनोट करते हैं, हम पैक सेल वॉल्यूम से करते हैं। तो पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स जो पैक हो रहे हैं, जो हमारे सेडिमेंट नीचे बैठ रहे हैं, वही हमारा पैक सेल वॉल्यूम होगा, जिसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा PCV हो गया, पैक सेल वॉल्यूम या हीमेटोक्रिट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल ब्लड। फीमेल
महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, चाहे नॉर्मल रेंज मान लो या मात्रा मान लो। ऑप्शन में है 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर में, 10.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर में, 11.5 से लेकर 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर में, और 12.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर में। तो राइट आंसर हमारा जो हो गया दोस्तों, हमारा 11.5 से लेके 16.5 होता है, कहीं कहीं 15 तक दिया रहेगा दोस्तों, 15.5 तक, इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो नॉर्मल रेंज हमारा होता है फीमेल में इतना होता है, और मेल में देखेंगे तो 12.5 से लेके 7.5 तक इतना होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह है कि द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ MCH इज, दोस्तों MCH जो होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो होता है, इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट जो होता है दोस्तों पिकोग्राम है। इसका यूनिट क्या है? PG, जिसको बोलते हैं पिकोग्राम। MCH की यूनिट जो है पिकोग्राम, और फेम्टोलीटर के जो होता है दोस्तों ये किसकी यूनिट है? ये MCV की यूनिट है। MCV की यूनिट क्या है? फेम्टोलीटर। फेम्टोग्राम दोस्तों फेम्टोलीटर होता है, तो फेम्टोलीटर हमारा किसका हो गया? MCV की हो गया। तो राइट आंसर हमारा अगर पिकोग्राम का पूछा था कि MCH का क्या होता है, पिकोग्राम होता है दोस्तों। अगर हम MCSC की बात करेंगे तो हमारा किस में होगा? परसेंटेज में होता है, इसका ही होता है। अगर हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे दोस्तों MCH का, तो MCH का नॉर्मल रेंज होता है 27 से लेके 32 पिकोग्राम होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द RBC। दोस्तों RBC की लाइफ स्पान कितना होता है, तो आपको ये बात कमेंट में करके बताना है कि कितना होता है। 7 डेज, 21 डेज, 16 डेज, 120 डेज, तो आपको ये कमेंट करके बताना है RBC के लाइफ स्पेन कितना होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।